jungle. डेंगूरपुर उमापुर कला मांडा प्रयागराज। प्रयागराज जिले में विकासखंड मांडा के अंतर्गत ग्राम सभा उमापुर कला मजरा डेंगूरपुर में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई लोगों के कच्चे मकान गिर गए हैं। इसमें गरीब परिवारों का काफी नुकसान हुआ है। उनके रहने के लिए काफी दिक्कतें हैं, खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। रामचंद्र पुत्र बसंत लाल, राम शंकर पुत्र सोवा लाल, कमला देवी पत्नी संतोष कुमार, पिंटू पुत्र रामबली निशान, रामबाबू पुत्र मुन्नी लाल, मिचाई लाल पुत्र मंगरू वर्मा, रामलाल पुत्र नवनीत, सुरेश कुमार पुत्र राधेश्याम निषाद आदि लोगों का मकान गिर चुका है। और कुछ मकान ऐसे भी हैं जो मकान गिरने की कागार पर हैं। उनमें से तौलनगिरी पुत्र धनराज गिरी के मकान पर महुआ का पेड़ गिर जाने की वजह से उनका लाखों का नुकसान हुआ है। साथ ही साथ संजय गिरी, अजय गिरी, विजय गिरी, त्रिवेणी गिरी आदि लोगों का भी काफी नुकसान हुआ है। कंचन गिरी पुत्र धनराज गिरी, बबीता देवी पत्नी राकेश निषाद, सिद्दीकी पुत्र रहमत अली, शिववली पुत्र छविनाथ निषाद, राजपति पुत्र कन्हैया लाल निषाद, अनिल कुमार पुत्र कमला प्रसाद, शिव कुमार, कन्हैया लाल, राम शंकर पुत्र राम किशन, लाल बहादुर पुत्र राम नारायण, राजन पुत्र राधेश्याम, ननको पुत्र बाबू राम, पप्पू पुत्र कालीचरण वर्मा, शिववली पुत्र छविनाथ आदि का मकान कच्चा है और बारिश की वजह से धीरे धीरे कटकर गिरने की कागार पर आ गया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान श्री गिरिजा शंकर पांडे एवं प्रशासन से गुहार लगाई है कि हम लोगों को यहां से निकाल कर किसी अन्यत्र जगह पर रखा जाए और शासन द्वारा सुविधा मुहैया कराई जाए, वह हम लोगों को तत्काल मुहैया कराई जाए, अन्यथा स्थिति में यहां की गरीब जनता मरने की कागार पर है, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मौके पर गांव के सैकड़ों सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। स्टार 7 टीवी न्यूज के साथ रिपोर्टर राम सागर एवं राघव प्रताप सिंह की रिपोर्ट।